ये अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक नेक्स्ट सॉल्व करते हैं ब्लैक सॉल्व पूरा काला ठीक है मैचिंग ठीक है फ्रेंड फ्रेंड मैच मैच ठीक है नाउ ब्लैक सॉइल अब ब्लैक सॉइल जो होता है मोस्टली डेक्कन प्लैट्यूज में मिलता है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का डेक्कन प्लैट्यू ठीक है जिसको ये जो ब्लैक सॉइल होता है ये सॉइल में कॉटन वगैरह जो होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे ग्रो होते हैं ठीक है तो इसलिए कॉटन ग्रो करने के लिए काफी ज्यादा इन्हें माना जाता है ठीक है तो देखते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्लैक सॉइल ऑल्सो नोन एज आपको अगर ब्लैक सॉइल पूछा जाता है आंख बंद करके कान बंद करके हाथ खोलकर लिखना है क्या कि ब्लैक सॉइल क्या है और रेगर सॉइल ठीक है ये चीजें आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा ये टीचर देखेगी टीचर बोलेगी वाओ ठीक है बच्चे को सब आता देन रेगर मींस कॉटन ठीक है और इसके पीछे का रीजन क्यों बिकॉज रेगर का मतलब क्या होता है बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कुछ लोग गुनगुना रहे और बकबका रहे तो मत करो ठीक है मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्लैक सॉइल हाई वाटर रिटेन्स यानी कि वाटर को रिटेन करने की इसके अंदर कैपेसिटी कैसी होती है काफी ज्यादा होती है ठीक है देन सॉइल इज स्टिकी बहुत चिपचिपाहट होता है स्टिकी होता है व्हेन वेट जब गीला होता है तब ठीक है एंड श्रिंक व्हेन ड्राई ठीक है क्लियर हो गया स्टिकीनेस छोड़ देता है जब वो ड्राई होता है Then, self-plugging is the characteristics of the black soil as it develops white cracks when dry. जब dry हो जाता है self-plugging का मतलब होता है कि plugging करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर गलती से भी कोई seeds चला गया ठीक है तो वो grow हो सकता है उसके ऊपर black soil के ऊपर ठीक है क्योंकि dry हो जाता है तो ये फट जाता है आपने देखा होगा soil सूखा हाँ सूखा हो जाता है तो कैसे वो crack हो जाता है बंजर जमीन पे देखा होगा ठीक है देन रिच इन किस चीजों में बहुत रिच है बहुत अमीर है ठीक है आयरन लाइम कैल्शियम पोटेशियम एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम यस ऐसे बोलो कितना अच्छा लगता है जब आप रिपीट करते हो तो नींद नहीं आएगी इसका ये सबसे बड़ा फायदा होता है देन डेफिशिएंसी अब कमजोर किसमें है हाइड्रोजन फास्फोरस यस बोलो बच्चे ना होंगे ठीक है देन कलर अब इसका कलर क्या होगा ब्लैक सॉइल का क्या होगा ठीक है ये जाहिर सी बात है गलती से भी लिखना मत सर ब्लैक सॉइल का कलर होता है तो आप पागलों में गिनती गिनी जाएगी ठीक है देन डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक कलर के वेरिएशंस में ठीक है कभी कभी डीप होता है ब्लैक कभी कभी लाइट ब्लैक इट इज मेनली फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप ठीक है कहाँ मिलता है मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला डेक्कन प्लैटू में मिलेगा रीजन ऑफ महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश सभी को समझा पक्का कच्चा ठीक है नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल रेड सॉइल ठीक है अब ये जो टाइप ऑफ सॉइल है रेड ठीक है तो ये रेड इसलिए है बिकॉज इसके अंदर आयरन ठीक है इसका मतलब ये नहीं है इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई ठीक है चलो देखो यहाँ पर ध्यान दो रेड सॉइल का मतलब क्या होता है सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरियाज जहाँ पर रेनफॉल एरियाज बहुत ही कम होता है ठीक है देन दे आर पोरस ठीक है पोरस इन द सेंस ठीक है प्रेडेबल देखना पड़ेगा बहुत बड़ा इतना ज्यादा इंग्लिश इतना मैंने कभी नहीं ठीक है तो चेक करके एक बार का आप लोग को कंफर्मेशन करवा दूंगा ठीक है देन एब्सेंस ऑफ लाइट इम्प्योर कैल्शियम समझ में आ रहा है कि इसमें कंकर नहीं होते हैं इसमें लाइट प्रेजेंट नहीं होते देन डेफिशिएंट इन किस चीजों में डेफिशिएंट है ठीक है मैं क्वेश्चन पूछूंगा और जिस वक्त अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मेरे हाथ चलने स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो एक चीज हमेशा याद रखो कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा सब पे ध्यान है और मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और एनालाइज कर रहा हूँ जब क्वेश्चन पूछने की मेरी वक्त आएगी तो तब अगर आंसर नहीं होगा तो फिर मेरे हाथ में है कि मैं क्या एक्शन ठीक है डेफिशिएंट का मतलब कमियां एब्सेंट मतलब पूरा गायब लैकनेस देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एब्सेंस एंड डेफिशिएंट डेफिशिएंट का मतलब क्या होगा कम ठीक है बट कम ठीक है भगवान ने दिया है बट कम नहीं है समझ रहे और एब्सेंट मतलब दिया ही नहीं है ठीक है पागल ही सही है तू ठीक है चलो डेफिशिएंट इन लाइम फॉस्फेट मैंगनीज हाइड्रोजन ह्यूमस एंड पोटाश अच्छा ये ह्यूमस क्या है ऑर्गेनिक मैटर
ऑर्गेनिक मैटर. यस ऑर्गेनिक मैटर ये होगा यूज. ठीक है देन कलर रेड जाहिर सी बात है नो डाउट्स. ठीक है ब्रेड कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द आयरन इन द क्रिस्टलाइन एंड द मेटामॉर्फिक रॉक द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो. ठीक है ये ऐसे सॉइल है ठीक है जो जिसके अंदर आयरन का प्रपोर्शन काफी ज्यादा है और जो रॉक जो पैरेंट रॉक है वो पैरेंट रॉक है. देखो एक चीज आप लोगों ने नोटिस की यहाँ पर नहीं किया होगा मैं गारंटी हूँ. ठीक है बिजी बोलते हैं ये चीजें नोटिस करने वाली है कि इन्होंने जब आंसर्स लिखे हैं या इन्होंने कंसेप्ट बताया है तो वे बराबर जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कोई भी सॉइल के ऊपर लोकेशन कोई भी सॉइल की चीजों के ऊपर जब आप लिख रहे हो तो उसका लोकेशन बताओ कि कहाँ मिलता है कहाँ पाया जाता है बराबर. तो ये चीजें देखो अपने अंदर स्लाइड्स देखो मैंने भी बनाए हैं आपको ये स्लाइड्स यूज की है मैंने मेरे खुद के भी बनाए हुए स्लाइड्स हैं तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा. ठीक है बिकॉज मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छा एडवांटेज आपको ठीक है मिले तो वो चीजें मैं दूंगा. बट दूसरी चीजों से भी आपको पता चलता है कुछ हर जगह से सीखने को मिलता है. तो यहाँ से सीखने को मिल रहा है कि प्रेजेंटेशन गरुआ की कैसे आंसर को लिखते सब है लिखेंगे सब आप जितने भी दिल्ली बोर्ड के बच्चे दिल्ली बोर्ड से जो देने वाले जो एग्जामिनेशन है उसके लिए हर वो 20 लाख हर 22 लाख बच्चे लिखेंगे और सभी एक ही पेपर लिखेंगे बट लिखने का ढंग ठीक है. चलो तो कलर का बता दिया मैंने टेक्सचर कैसा होता है टेक्सचर इन द सेंस उसका अगर आप टच करोगे ठीक है तो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है ये होता है टेक्सचर. तो सैंडी टू क्लेई ठीक है थोड़ा सैंडी होता है और थोड़ा क्लेई एंड लोमी ठीक है वी कॉटन पल्सेस टोबैको ये चीजें गलती हुए हो ठीक है नो डाउट्स बिकॉज ये चीजें अभी आप लोगों को इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत देखो देखते ही देखते हमने कितने सॉइल के टाइप किए तीन हमने कंप्लीट कर भी दिए छह में से अब बचे कितने तीन ठीक है जो कि आप अगर कॉपरेट करोगे तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. देन इट इज फाउंड इन तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश ओडिशा छत्तीसगढ़ एंड झारखंड. समझा सर्वन्न कल्ल शब्दाश ठीक है चलो नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल लेटराइट सॉइल. ठीक है अब आगे का टाइप का सॉइल कौन सा है लेटराइट सॉइल. ठीक है लेटराइट सॉइल के बारे में जैसे देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा ना ठीक है जाने दो सुंदर नहीं है मेरी तरफ ठीक है चलो तो लेटराइट सॉइल के बारे में बढ़ते हैं कि लेटराइट सॉइल का नाम लेटराइट क्यों रखा किसने इतनी गुजरी थी. ठीक है तो देखते हैं कि वो क्या है. ठीक है नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर बाद में ठीक है विच मीन्स ब्रिक ब्रिक विच मीन्स ब्रिक ब्रिक. अभी हमने बोला बाद में देखा कितने फूल है हम लोग की इंग्लिश वर्ड एक ऐसा मतलब इंग्लिश वोकैब का बहुत सारा मीनिंग होता है एक ही मतलब नहीं होता. ठीक है तो लेटर मतलब बाद में वाला नहीं ठीक है लेटर मतलब अब ब्रेक मतलब तो आपको पता ही होगा. ठीक है देन बिकम सो सॉफ्ट वेन वेट एंड सो हार्ड वेन ड्राई. ये चीजें इसकी सबसे स्पेशल है क्योंकि अगर आप देखोगे आपके जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं ठीक है उसमें ब्रिक्स यूज होता है तो आपने अब देखा है नोटिस किया या नहीं किया मुझे नहीं पता बट मैंने ये चीजें नोटिस की है कि जब कंस्ट्रक्शन करते हैं ना तो जब प्लास्टर्स होता है उसके ऊपर ठीक है तो वो क्या करते हैं पता है कि ऐसे तुरंत प्लास्टर नहीं करते बिकॉज तुरंत प्लास्टर करने पर वो स्टिक नहीं होगा बनाने को वो क्या करते हैं कि उसको पूरा वेट करते हैं. ठीक है वेट करते हैं वो पानी डालते हैं पाइप से वाटर से वो अच्छी तरीके से उसके अंदर मॉइस्चर डालते हैं. ठीक है जैसे ही मॉइस्चर उसके अंदर सारा एब्जॉर्ब हो जाता है देन बाद में वो क्या करते हैं वो सीमेंट उन्होंने मटेरियल बनाया होता है वो क्या करते हैं छा ठीक है बनाया जाता है. ठीक है फिर बाद में आपका पूरा प्लास्टर किया हुआ आपका घर दिखता है समझा. तो इसलिए यहाँ पर देखो ये चीजें एक इसका यूनिक फीचर है कि जब वो वेट होता है तो क्या होता है जब वो ड्राई होता है तो ड्राई होने के बाद जब हार्ड हो जाता है तो देखो ये अभी इजीली आप तो छूओगे तो गिरेगा नहीं. ठीक है क्योंकि ड्राई हो चुका है सूख चुका है. ठीक है चलो फाउंड इन एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए मोस्टली ब्रिक्स के आप लोग इंडस्ट्रीज देखोगे आपके नदन पास ठीक है उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बहुत आप रेलवे से भी अगर आप पास आउट होंगे तो आपको बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज देखने मिलेंगे जो ब्रिक्स बनाते हैं. ठीक है क्योंकि उधर का टेम्परेचर इतना बेकार है ना बेकार है मतलब कैसे कि वो नदन पार्ट में है. ठीक है
अगर वहां पर ठंड पड़ेगी तो ऐसे ठंड पड़ेगी ना कि आप मर ही जाओगे, ठीक है। यानी कि वहां पर टेम्परेचर हर साल 6 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि आप जब बात भी करोगे ना तो आपके गुस्से में वो ऐसा हो जाता है कि बिना सिगरेट पिए धुआं, ये एक चीजें हो जाती है, ठीक है। बहुत कमाल का एक्सपीरियंस होता है, बहुत मजा आता है, ठीक है। और गर्मी होगी तो इतना गर्म होगा कि मतलब होते ना कि जान निकल जाएगी, यानी कि लू चलता है, ठीक है। इतना हीट पास होता है, देर हो गया तो गर्मी नहीं मार के एकदम गर्मी, हॉट है तो बहुत हॉट है, ठीक है, और कोल्ड है तो वेरी चिल, ठीक है, बहुत कोल्ड है। ये चीजें होती है वहां की क्लाइमेट की फीचर्स, ठीक है। तो फाउंडिंग एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर पे और हाई रेनफॉल एरियाज पे मिलता है। देन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग ड्यू टू रेनफॉल। नाउ व्हाट इज लीचिंग, बोला मत सर, लीचिंग बारिश में किसके किसके घर पे पानी गिरता है, टपकता है, से बता ना नीचे पानी गिरता है टेरेस पे से, लीकिंग होना, ठीक है। पानी छोड़ता भी है, ठीक है, लीच करता है, वाटर रिलीज भी करता है, ठीक है। देन ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ द सॉइल विल बी रिमूव्ड फास्ट बाय द बैक्टीरिया एज इट इज हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाय द ट्रीज एंड द प्लांट्स, दस ह्यूमस कंटेंट इज लो। कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है एक्सप्लेन करने वाली बात। रीच किसमें होता है, डिफिशियंट किसमें होगा, नाइट्रोजन पोटेशियम पोटेशियम लाइक ह्यूमस, बराबर। देन कलर रेड कलर होगा ड्यू टू आयन ऑक्साइड। अब इसके कल्टीवेशन अगर करेंगे तो क्या क्या चीजें कल्टीवेट हो सकती है, राइस जो कि मिलेट में काउंट होता है, ठीक है, रेड रेड कलर का होता है रागी, बहुत छोटा छोटा, ठीक है, आर कल्टीवेटेड मेनली, इट इज गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द टी कॉफी एंड इट इज फाउंड इन केरला कर्नाटका तमिलनाडु मध्य प्रदेश ओडिशा एंड असम। समझा, क्या हुआ, सबको पक्का श्योर, देखो उसके बाद में ये पक्का ना, ठीक है। तो कितने हुए टाइप ऑफ सॉइल, जो लोग जिंदा है मतलब सुन रहे हैं तो उनको पता होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट विल बी सॉइल। ऐसा होता है हम टीचर है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चीजें रहेंगी, ठीक है, कभी कभी चीजें गलत भी हो जाती है, ठीक है। चलो तो अरिड सॉइल यानी कि आप अरिड सॉइल, मैंने देखो गलती भी जो होती है, ठीक है, जैसे मैंने क्लाइमेट बोला तो उसका प्रॉब्लम, मैंने क्लाइमेट क्यों बोला उसके पीछे रीजन था, बिकॉज अरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, बराबर। इसलिए जैसे मैंने अरिड देखा ना तो मेरे माइंड ने सॉइल नहीं पढ़ा, मेरे माइंड ने डायरेक्ट क्लाइमेट बोला, बिकॉज रिसेंटली मेरा 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में क्लाइमेट चैप्टर हुआ, तो मेरे मुंह से पटा से क्लाइमेट देखा, समझा, इसलिए वो गलती हो गई। तो सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, वाओ इतना छोटा, वाओ अरिड मेरा फेवरेट है, ठीक है। सीन अंडर अरिड एंड सेमी अरिड कंडीशंस, अरिड यानी कि जहां पर हीट होगा, ठीक है, एक्सट्रीम होगा, बहुत ज्यादा होगा, वेरी हॉट, ठीक है, तो ऐसे जगह पे मिलेगा आपको। देन डिपॉजिट मेनली बाय विंड एक्टिविटीज, विंड की वजह से डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि विंड एक्टिविटी ज्यादा होती है, एजेंट्स ऑफ इरोजन वहां पर विंड बहुत एक्टिव है, ठीक है। देन हाई सॉल्ट कंटेंट, दैट मींस द अल्कलीन प्रेजेंट इन द सॉइल इज वेरी हाई, ठीक है। देन लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, ह्यूमस नहीं है, मॉइस्चर नहीं है उसके अंदर, ठीक है। कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई विच रिस्ट्रिक्ट द एरी फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इज इम्पॉसिबल। आप लोगों ने देखा होगा कि सॉइल फिल्ट्रेशन का भी काम करता है, आप बोलोगे सर कैसे, प्यूरिफाई है क्या, नहीं, ठीक है, ये कैसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, ठीक है, ये सारी चीजें होती है जहां पर पानी कभी कभी, ठीक है, अगर पानी को फिल्टर करना होता है तो वो क्लॉथ से थ्रू, वो बड़े बड़े अलग 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 मेथड से वो करते हैं, ठीक है। तो सॉइल से भी कभी कभी होता है, जब सॉइल बहुत मतलब होता है ना, वाटर एकदम स्टील है, ठीक है, एकदम शांत है, आज चंचल वाटर एकदम शांत है क्योंकि मम्मी डांट के गई, ठीक है, तो क्या होगा, एकदम शांत है,
शांत होने की वजह से सारे के सारे सॉइल्स नीचे क्या हो गए हैं, बैठे ठीक है, सेटल्ड हो गए हैं बैठे होने की वजह से। ठीक है, क्या हो जाता है कि वाटर जो ऊपर का होता है वो एकदम प्योर, समझ रहा है। तो ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है कि सैंड, ऐसे सैंड में से अगर वाटर मूव होके जाती है तो स्टोन पेबल्स उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि क्या हो कि जितने वाटर के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है वो ब्लॉक हो जाए वहां से और जब बाहर वापस से निकले, क्योंकि वो तो पानी है, ठीक है, पानी ना मेरी है ना पानी आपकी है, ठीक है, पानी पानी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, किसी के लिए रुकेगी नहीं। तो जब वो ब्लॉक होकर सारे इम्प्यूरिटीज जमा कर देगी और जब वो बाहर निकलेगी तो एकदम साफ सुथरी निकलेगी, ठीक है, समझा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गंगा समझ लो। देन टेक्सचर विल बी सैंडी, कलर विल बी रेड टू ब्राउन, देन फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान, समझा, क्लियर हो गया। ये सॉइल मोस्टली राजस्थान में मिलता है बिकॉज क्लाइमेट राजस्थान का कैसा होता है, अरिड होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है जंगली सॉइल, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल। अब देखते हैं कि फॉरेस्ट सॉइल का कैरेक्टर क्या है, ठीक है। प्लीज हमने अंदर के जो जैसे चल रहा था वो गवाओ मत, ठीक है, और अभी हो गया बस खत्म होने आया, ठीक है, ज्यादा पकाऊंगा नहीं, ठीक है, होने आया बस, थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट करना है देन आपका लेक्चर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। फॉरेस्ट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल, कॉमन सेंस सर क्या बता रहे हो, फॉरेस्ट सॉइल तो किधर मिलेगा, ठीक है, मेरे घर पे मिलेगा क्या, समझा। ये सब सब देखो कभी कभी होता है ना कि टीचर को भी बेवकूफ बनाना बोल दीजिए, कभी कभी ठीक है, कैसे आंसर्स, ठीक है, अगर आपको कुछ सूझ नहीं रहा, आज सर ने कल सर ने ज्योग्राफी का टेस्ट बोल दिया ऊपर से सॉइल, भाई ला पढ़ा ही नहीं मैंने, ठीक है, अब क्या करना है, ठीक है, तो अब क्या करोगे, सॉइल के ऊपर है और ऊपर से सर ने दे दिया फॉरेस्ट सॉइल, वाह फॉरेस्ट सॉइल बोला तो किधर मिलेगा, पहला पॉइंट समझा। ये होता है ट्रिक, ठीक है, कभी कभी ज्योग्राफी में ये खासियत बात होती है, ठीक है, कि लोगों को बटर लगाना, ठीक है, काफी इजी होता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट सॉइल आर फॉर्म इन द फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट में फॉर्म होंगे और फॉरेस्ट में ही मिलेंगे, ठीक है, एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल, देन द सॉइल वैरी इन स्ट्रक्चर, बाकी के सॉइल से बहुत अलग होगा, ठीक है, मुझे लगता है इसको भी नहीं आता इसलिए इसमें ऐसे पॉइंट डाले हैं, ठीक है, कि सॉइल वैरी इन स्ट्रक्चर, ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो सॉइल अलग होगा दूसरे से, ठीक है, एंड टेक्सचर में भी स्ट्रक्चर में भी डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म, ओके। अब एक चीज है जो बंदे ने लिखा है उस बंदे को पता है कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, हरियालिया हरियालिया, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सॉइल आपको देखने मिलेगा, दे आर लोमी एंड सिल्टी लोमी, इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, नाउ डोंट आस्क मी सर व्हाट इज लोमी, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लोमी, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, लोमी on valley sides and in the snow bound areas of the Himalayas they experience denudation and acidic low humus content, they are very acidic in nature and very low humus content, ठीक है, humus content जो होगा वो काफी कम पाया जाता है but होता है, ठीक है। then the soil found in the lower valleys are because valley है, valley से क्या बहेगी, पानी बहेगी, पानी जहाँ बहेगी वहाँ erosion deposition होगा, और जहाँ erosion deposition होगा वहाँ fertile soil मिलेगा, clear हो गया। तो ये था हमारा forest soil, ठीक है, तो हमारा types of soil वाला part हमने यहाँ पर 6 type of soil complete किया।